क्यों तरसे। संडे होता होगा फंडे आपके लिए, पर मेरा संडे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग जा रहा था। तभी मुझे मेरे दोस्त काशिफ की कॉल आती है, उसने बोला कि क्या कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बोला घर आ जा। मैंने बोला घर आके क्या करेंगे। उसने बोला कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने बोला घर ही क्यों आऊँ। तो उसने बोला कि अकेले कुछ ना करने से बढ़िया है कि दोनों मिलकर कुछ ना करें। तो मैंने बोला ये प्लान भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने अकेले जाने से बढ़िया मैंने सोचा मोहित को कॉल कर लेता हूँ। जब मैंने मोहित को कॉल करी तो तारिक को कॉल करनी भी ज़रूरी है। तो हम तीनों भाई मिलकर पहुँचे काशिफ के फार्म हाउस पर। काशिफ के घर पहुँचने से पहले मुझे भी लगा था कि रास्ता कुछ ऐसा ही मिलेगा सुनसान और बढ़िया, लेकिन मैं भूल चुका था कि आज संडे है। तो संडे था तो ट्रैफिक ये तो लाजमी था। तो भैया इतना ज़्यादा लंबा ट्रैफिक होने के बाद हम थोड़ी देर तो आराम आराम से चले, सभ्य इंसानों की तरह, मगर कब तक सभ्य रहेंगे। भैया हम ठहरे सलमान खान के फ़ैन, मैं हमने गाड़ी डाल दी फुटपाथ पर और भैया चीरते फाड़ते हम निकल गए ट्रैफिक से। ये बंदा जो कुत्ते के साथ खेल रहा है इसका नाम है यश। ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और आज इसके घर में शादी है। भैया शादी है, शादी का मतलब होता है फ्री का खाना, वो हम कभी मिस कर नहीं सकते। तो भैया फ्री का खाना खाने के बाद हम लोग निकले काशिफ के साथ, काशिफ की गाड़ी में अपनी बाइक हमने साइड में लगा दी। वैसे शादी में हम इन्वाइटेड थे, बिना बुलाए गए नहीं हम। एक अफ्रीकन बंदर चिंपैंजी है, बंदर चिंपैंजी कुछ भी कह लो, और एक किराने का चिंपैंजी है, एक बुलंदशहर का चिंपैंजी है। पुराने दोस्त मिले और बिना मतलब कि बकचोदी ना करे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने बकचोदी बकचोदी में फ्री में रखे हुए टीवी तोड़ दिए। भाई अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें यह बोल रहा है कि मैं भी 10 मिनट में आता हूँ 15 मिनट में आता हूँ तो उस कुत्ते का कभी भरोसा मत करना। कुत्ता तो नहीं तो इंसान ही, मगर उसका कभी भरोसा मत करना। 15 मिनट कम से कम 3 घंटे लेगा। 5 बजे से बिठाया हुआ है और अब तकरीबन 8 या 9 बज गए और अब जाके आया है। शाम में बैठे थे, प्लान था कुछ बहुत कुछ करने का, कुछ करने का प्लान था, पर अब तक 8 बज गए हैं। शाम तो नहीं, अब रात ही कह सकते हो इसको। और अभी हम लोग जा रहे हैं बिहारीगढ़ पे, क्योंकि संडे है तो पूरा यूटिलाइज करना तो ज़रूरी है। अब इतनी दूर आए और यूटिलाइज भी ना करें तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं बिहारीगढ़, बिहारीगढ़ की मशहूर पकौड़ी खाएंगे और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा कुछ। वादे के अनुसार हम फिलहाल पहुंचे हैं बिहारीगढ़ और अभी हमें ज्वाइन किया यश भाई ने। फिलहाल हम हैं मोहन पकौड़ी वाले। यश भाई यहाँ के लोकल है, तो यश भाई ने बताया मोहन पकौड़ी वाले ज्यादा फेमस है। हैदराबाद से हो क्या? बड़ी सिटी है। अच्छा एनआरआई है, हैदराबाद से है। चलो भैया अपनी पकौड़ी आ गई है, आधा किलो मंगाई है हमने क्योंकि पब्लिक ज्यादा थी। आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि उसकी बिक्री हो जाएगी और यश की पब्लिसिटी ऐसे, यश पब्लिसिटी तो हम कर देंगे लेकिन हमारी पब्लिसिटी तो नहीं होती है उतनी। भाई अब चलने का टाइम हो गया, वापस पकौड़ी वगैरह खा लिए, लौंडा सेल्फी ले रहे हैं। चले यश भाई, यार ये सिस्टम इसका गलत है। ये अभी हम फिलहाल आ गए हैं घर पे काशिफ के। तो ये था आज हमारा संडे, आज हमने कैसे संडे बिताया अपना। देखो वो सब तो नहीं हो पाया जो हमने प्लान किया था, बट ये है कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा। तो अब हम वापस देहरादून जा रहे हैं। यश भाई को हमने ज़बरदस्ती बिठा लिया था गाड़ी में, अब यश भाई को छोड़ेंगे वापस बिहारीगढ़, फिर हम देहरादून जाएंगे। और लाइटिंग नहीं है तो इस वजह से फिलहाल इसमें कुछ आ नहीं रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।
सी यू, टाटा, बाय बाय।